नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। मेरठ में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है। कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए भी पूरे इंतजाम पुलिस अधिकारियों द्वारा कर लिए गए हैं। आपको बता दें कि जिले को कई सेक्टर में बांटा गया है और सभी सेक्टर में एक एक मजिस्ट्रेट और सीओ रैंक के अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जो कांवड़ यात्रा पर बराबर नजर रखे हुए हैं। आज से हाईवे को वन वे कर दिया गया है, साथ ही भैसाली बस अड्डे को सौराब गेट पर शिफ्ट किया गया है। एडीजी प्रशांत कुमार भी कांवड़ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए सड़क पर उतर आए। इस दौरान उन्होंने शहर के विभिन्न इलाकों में कांवड़ को लेकर की गई सुरक्षा व्यवस्था को परखा। व्यवस्थाओं के अलावा सुरक्षा के भी चौकस इंतजाम किए गए हैं, जिसके तहत सभी जगह सीसीटीवी का कैमरे लगाए गए हैं, वॉच टावर्स लगाए गए हैं और लगातार अधिकारी भ्रमणशील हैं। अब श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है और मुजफ्फरनगर हरिद्वार बॉर्डर पे तक काफ़ी रश है और धीरे धीरे ये रश बढ़ता जाएगा और मुझे उम्मीद है कि कल इस समय तक मेरठ में भी काफ़ी भीड़भाड़ हो जाएगी। तो लगातार उसी कारण से सभी लोग हम लोग भ्रमणशील हैं और व्यवस्थाओं का जायज़ा ले रहे हैं कि जो हमारी तरफ से कोई कमी ना रह जाए। पुलिस ने किस तरह से व्यवस्था की है, मतलब रेडियो अपडेट्स, जो रेडियो फ्रिक्वेंसी वाले आपके सेट वाले, वो लगातार अपडेट करेंगे 2 घंटे में, तो क्या व्यवस्था है वो और कैसे मुख्यमंत्री तक इसका डाटा पहुंचेगा? ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है, जब कोई बड़ी व्यवस्था होती है तो लगातार सेट के द्वारा, टेलीफोन के द्वारा हम लोग कुशलता लेते रहते हैं और वरिष्ठ जो हायर फॉर्मेशंस हैं उसको सूचना देते हैं और फिर ये उनका काम है कि पूरे प्रदेश के बारे में सूचना एकत्रित करके प्रदेश के मुखिया को अवगत कराया जाता है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन हम लोगों का ध्येय इस बार वही है कि भव्य, स्वच्छ और सुरक्षित कांवड़ यात्रा जैसे कुंभ हुआ था उस तरह से कराना है। आपातकालीन स्थिति को लेकर क्या इंतजाम किए हुए हैं, इनकेस कोई इमरजेंसी वाली बात हो? हमारे पास वैकल्पिक रूट भी है, हमारे पास इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम भी है और लगातार उस पर हमारे सभी अधिकारी बैठ के चीज़ों का जायजा ले रहे हैं और यह प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह की कोई कमी न रह जाए। सर, एक बड़ा सवाल ये है कि जो शहर का ट्रैफिक है वो क्यों हैम्पर होता है, क्यों उस कांवड़ मार्ग पर ही सारा ट्रैफिक नहीं निकाला जाता कांवड़ियों को लेकर? जो परंपरागत रूट है, आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें परंपराएं और आस्था जुड़ी हुई है, तो सभी पर्व में आस्था के हिसाब से ही हम लोग जबरदस्ती किसी को किसी एक अपनी सहूलियत के लिए एक रास्ते पर नहीं मोड़ सकते। तो जो परंपरागत रास्ते हैं, कांवड़िए उसी रास्ते से जाते हैं और उनकी जो कांवड़ यात्रा को सब तरह से सुलभ बनाने का दायित्व तो प्रशासन का है। तो प्रशासन की तरफ से क्या शुभकामनाएं कांवड़ियों को देना चाहते? हम लोग सभी लोग सजग हैं, सबका उनका स्वागत के लिए तैयार हैं। आपके साथ मिलके हम लोग कांवड़ियों का स्वागत कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कोई किसी व्यवस्था में कोई कमी ना रहे। एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा कि हमारी तरफ से कोई भी कमी ना रहे, इसलिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही कांवड़ियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े, इसके लिए भी वो सारे इंतजाम कर रहे हैं। एडीजी ने इस दौरान बेगमपुर, जीरो माइल स्टोन और अन्य स्थानों का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा कि सभी पुलिस अधिकारी और कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद हैं, कहीं से ड्यूटी में लापरवाही का कोई समाचार नहीं मिल रहा है। इसी के साथ एसपी सिटी ने भी सुरक्षा के इंतजाम के बारे में क्या कहा, आइए सुनिए। कि जैसे पिछले के मुताबिक इस बार के लिए आपने क्या कांवड़ सुरक्षा में पुलिस बल बढ़ गया है, पॉइंट बढ़ गए हैं, वॉच टावर बढ़ गए हैं, वॉच टावर का सिस्टम बढ़ गया है, पब्लिक पार्टिसिपेंट बढ़ गया है, पब्लिक के तमाम ग्रुप, तमाम एनजीओ जिसमें हमारे हेल्प के लिए हैं, जो पिछले साल से इस बार ज़्यादा ही संख्या में हैं। तो इस तरीके से पुलिस और पब्लिक और प्रशासन तीनों का मिला जुला एक प्रयास रहेगा कि बहुत अच्छी तरीके से ये कांवड़ यात्रा सफल संपन्न हो। नहीं, एक संगठन के द्वारा नवचंदी क्षेत्र में एक पीसी की जा रही थी, उसके बारे में कुछ सूचना मिली थी कि कुछ चीज़ें इसमें हैं जिसकी जांच आवश्यक है। उसके संदर्भ में 5 लोगों को लाया गया था, पूछताछ किया गया, पूछताछ करने के बाद इनको मुक्त कर दिया गया। नहीं, जैसा मैंने आपसे बताया कि 5 लोगों को लाया गया था, पूछताछ किया गया, इनको छोड़ दिया गया। फिलहाल के लिए इतना ही। फर्स्ट बाइट की तरफ से भी सभी कांवड़ यात्रियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इजाजत दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नमस्कार।